नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सबका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा। पिछले कोई वीडियो में आपने बहुत सपोर्ट किया और कुछ दिनों से दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाला, तो आज मैंने सोचा एक वीडियो डाल दो। तो आज की वीडियो में बताऊँगा क्यों जो है आम आदमी जो है जनरल पब्लिक फेस कर रहा है प्रॉब्लम, जो है आजकल जो है कम्युनिटी के प्राइस जो है बढ़ रहा है, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस, वह सब फ्यूल के प्राइस बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। अगर ये चीज़ बढ़ती जाने से पब्लिक जो है बहुत प्रॉब्लम फेस होगा और जो है अपकमिंग जो है डेज में भी बहुत जो है प्रॉब्लम फेस होगा। हाँ, पेंडेमिक चल रहा था इसलिए जो है कंट्री का जीडीपी जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो डाउन हुआ, लेकिन सरकार को भी ये सोच समझकर जो निर्णय लेने चाहिए, एक स्टेबल रेट पब्लिश करना चाहिए और एक स्टेबल रेट जो है पेट्रोल के एयर प्राइस के जो है जो मीडियम प्राइस है वो लगाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है रिच आदमी भी पेट्रोल यूज़ करते हैं डीजल, और जो है पॉर पीपल अगर जैसे कि सरकारी नौकरी वाला जो अगर ऑफिस में जाते हैं तो वो ऑटो से जाते हैं, तो ऑटो से जाने वक्त जो है प्राइस लगते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से भी ऑटो फेयर भी बढ़ेगा और ऑटो के जो भाड़ा है वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह जो है आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है और आम आदमी का जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यही मेरा अपील है गवर्नमेंट से कि जो है इन मुद्दे को देखे। और मैं अभी एक स्क्रीन पे एक छोटा सा स्क्रीन प्ले दिखा दूंगा। यहाँ पे लिस्ट सम ऑफ द कम्युनिटीज है जिसके प्राइस 2014 में कितना था और अभी तक कितना बढ़ गया है, आप इसको देख लीजिए, फिर से आपसे मैं बात करता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम वाइज रेशियो 2014 का और 2021 का, अभी देख सकते हैं आप। जो 2014 में अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट पेट्रोल का प्राइस था ₹60 एंड डीजल वास ₹55, एलपीजी वास 414 एंड दाल वास ₹70, घी वास 350, ऑयल इज ₹52 एंड मिल्क इज ₹30 एंड शुगर इज ₹22 एंड एग इज ₹2। नाउ अंडर बीजेपी गवर्नमेंट इन द ईयर 2021 प्रेजेंट गवर्नमेंट पेट्रोल प्राइस इज ₹112 which is so high and so increasing, and diesel price is ₹100 and LPG gas is ₹834 and dal is ₹190 and ghee is ₹650 and oil is ₹210 and milk is ₹56 and sugar is ₹50 and egg is ₹7। so आपने देखा होगा डिफरेंस क्या है, पहले कितना था अभी कितना है, जो चीज़ों के दाम बहुत दाम बढ़ रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जो है आम आदमी जो है मिडिल क्लास पीपल जो है इस सब जो है डेली कम्युनिटीज़ है सब प्रेफर करते हैं, डेली जो है कम्युनिटीज़ है इस्तेमाल करते हैं, तो जो है उनके प्राइस जो है थोड़ा घटाना चाहिए, एक मीडियम प्राइस होना चाहिए। तो आपने NLTV नागालैंड टीवी में भी एक फुटेज देखा होगा, जो है नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इन सब मुद्दे को उठा रहा है, सरकार को मांग कर रहा है इन सब मुद्दे को। मैं वो भी स्क्रीन पे थोड़ा मैं दिखा दूंगा, तो आप देख लेना। और मेरे गवर्नमेंट से ये अपील है और दूसरे यूट्यूबर को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, इस वीडियो को बनाइए, इस मुद्दे पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर जो है सरकार को एक संदेश पहुंचाइए, क्योंकि आम आदमी जो इस पेंडेमिक में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मैं फिर से एक बार दूसरे वीडियो पर मिलूंगा, और मेरे एक नया वीडियो आ रहा है जो लाइव टॉक है पब्लिक के साथ, मैं पब्लिक के ओपिनियन भी जानूंगा दूसरे वीडियो पर, दूसरे एपिसोड पर। टिल देन दूसरे वीडियो पर मिलते हैं एंड जय हिंद।